मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आदमी गुनाह करता है, गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये जो मेरा बंदा है इसने गुनाह किया है, क्या इसको यकीन है कि मेरा एक रब है और इसको यकीन है कि मेरा रब माफ कर देगा? और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह यकीनन उसको ये यकीन है, इसीलिए तो आपसे माफी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इसको माफ कर दिया। क्या बात। अच्छा कुछ देर बाद फिर गुनाह कर लेता है, फिर बैठ जाता है रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़म्बन, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, सही, तो फिर माफी मांगता है अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को गवाह करके कहता है कि इसको यकीन है कि मेरा रब अब भी माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर माफ कर देता है, सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी देर बाद फिर उससे गुनाह हो जाता है, सही। अच्छा इसका मतलब गुनाह के दोबारा हो जाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, सही, इसका ताल्लुक आपकी तौबा की क्वालिटी के साथ है, सही, कि आपने तौबा किस किस्म की है। सही। अगर तौबा की क्वालिटी ठीक है तो गुनाह माफ है इंशाल्लाह।